आमलखेड़ा में ये प्रमुख सबसे स्थान ब्रह्म कमल। इसको बंद इसलिए रखते हैं कि यहाँ क्योंकि कबूतर घुस जाते हैं तो गंदगी करते हैं, ये कुछ उनके अनमोल वचन। ये सब आप लोग इनको अपने मोबाइल में सेव करके इनको पढ़ सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः भगवदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव की जन्मस्थली आमलखेड़ा बाबा की अति की कृपा और महाकाल की प्रेरणा के फलस्वरूप आज 23/4/2023 अक्षय तृतीया के दिन यहाँ आने का सौभाग्य और दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ये ज़िंदगी का बहुत खास दिन हो सकता है। ये सभी बड़े बड़े लोगों ने देवराह बाबा ने क्या कहा है देखिए। ये स्वामी जयेंद्रनाथ तीर्थ सरस्वती जी ने क्या कहा, आचार्य विनोबा भावे ने क्या कहा गुरुदेव के बारे में, कर्पात्री जी महाराज ने क्या कहा गुरुदेव के बारे में, श्री नाना जी देशमुख ने क्या कहा उनके बारे में, ये महात्मा आनंद स्वामी ने क्या कहा उनके बारे में, और ये गुरुदेव अंदर कबूतर आते हुए ये ब्रह्म कमल वो स्थान जहाँ गुरुदेव का जन्म हुआ, सबसे पवित्र स्थल। ये कबूतर भी पिछले जन्म का कोई सिद्ध संत होगा कि अंदर आ गया है, इसको बाहर जाना है। घूमता हुआ ये इसी में देखें, इसीलिए गेट बंद रहता है, दरवाजा इससे बंद रहता है। चलो इधर से निकलो, आओ इधर आओ, निकलना नहीं चाहता है। चलो आओ आओ जाओ। अरे यार दो यही तो दिक्कत है यार, जोड़ा आ गया अंदर, यही खतरनाक पोजिशन है, गंदगी करते हैं फिर ये, इसलिए बंद रहता है इसका कमरा। कीर्ति स्तंभ जिसके पीवी नरसिम्हा राव जी ने इसको स्थापना की थी 1995 में, 1 नवंबर 1995। मसाल जो गुरुदेव की पहचान, ऊपर सूर्य मंदिर, भजन कीर्तन होते हुए से प्रथम साक्षात्कार साहसपूर्ण संवेदना साधक की भाव संवेदना गायत्री के सिद्ध साधक प्रांति गुरुदेव देशभक्ति देश प्रेम स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी, ये वस्त्र जो हवन है
संक्षिप्त जीवन वृत्त 1911 से 1923, 1929, 1926, 1930, 1937, 1941, 1940, 1944, 1953, गायत्री तपोभूमि की स्थापना 1960-61, द्वितीय हिमालय यात्रा 1958, 1008 यज्ञ गायत्री तपोभूमि मथुरा 1971-72, 1984-86 सूचने के अनुसार 1990 2 जून गायत्री जयंती के पर महाप्रयाण आदि सबके झूठ चेतना में विलय शांति को भगवती देवी 1926-1994 78 साल परिव्राजक देख रेख जो करते हैं, हाथरस के रहने वाले हैं। हाथरस यहाँ से मुश्किल से 30 किलोमीटर दूर इस स्थान पर सुबह सुबह हवन होता है। पिछली बार 4-4 के आसपास यहाँ हवन में शामिल हुआ था मैं जून 2022। Thank you, sir.